हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे कक्षा 10 का विज्ञान, प्रकाश का परावर्तन का न्यूमेरिकल नंबर 5। ठीक है, देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। इसके द्वारा किसी वस्तु का 20 सेमी दूरी पर प्रतिबिंब बने, तो वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए। देख लो, सबसे पहले हम लिखते हैं कौन सा दर्पण, तो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण और फोकस दूरी हमारा दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा भी का जो मान है वह 20 सेमी है। भी का जो मान है वह 20 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। और यू का मान पूछ रहा है, तब जो हमारे पास फार्मूला आता है, दर्पण सूत्र हम कह सकते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब हम वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, बताओ यफ का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो 1/10 बराबर 1/v यानी 20 सेमी और प्लस 1/u, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, देखो 1/u बराबर हो जाएगा आपका 1/10 माइनस 1/20, क्योंकि ये बराबर के बाद प्लस है, बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 1/ जो यू का मान होगा, अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, 20 और 10 का एलसीएम, ठीक है। 20 और 10 का क्या लेंगे, एलसीएम। तो 20 और 10 का एलसीएम जो होगा 20 होगा, ठीक है। अब 20 में 10 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2, फिर 20 में 20 का भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, 1 में 1 के गुणा करेंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो यू का मान मिलता है, 1/u बराबर 1/20, अर्थात जो u का हमें मान मिलता है वो 20 सेंटीमीटर मिलता है, 20 सेमी मिलता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। थैंक यू सो मच।